Is it okay? Comfortable all of you? Students, please look up here. Whenever we are going with interview, you will say, sir, it is a noble profession, one thing. And the second thing which you say is that he should have empathy towards the students. Third thing you can state, he should inculcate morals and boost the moral of the students. He should inculcate values and boost the moral of the students. Agar aisi baatein aap karte ho, and he is responsible to make him a good human being, a good citizen of the nation. And whenever his students do something good, he is responsible to reward him with appreciation. Agar aap aisi ek do baatein kar dete ho, to samajh zarur aapse impress hoga ki really he notes the qualities of a good teacher. Ab many of the people are here sitting, they say me, sir, हम बैंक के लिए जा रहे हैं, तो द बेस्ट आंसर क्या है सर बैंकिंग के लिए? तो मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग जॉब, स्पेशली यू एंड सुभाष, इफ यू आर गोइंग फॉर बैंकिंग जॉब, तो द बेस्ट थिंग यू शुड से, सर दिस इज अ पोटेंशियल सेक्टर. सर सबसे ज्यादा तो ये पोटेंशियल सेक्टर है, इसलिए मैं आना चाहता हूं. मीटिंग न्यू पर्सनैलिटीज, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स आर माई हॉबीज, विच इटसेल्फ आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस जॉब. सर नए लोगों से मिलना, नए कार्य करना, इस जॉब के मतलब कि आप जरूरत है, जो मेरी हॉबीज भी है. इसके अलावा आप कह सकते हो रेगुलरिटी इन वर्किंग एनवायरनमेंट, क्योंकि यही एक ऐसी जॉब है बैंकिंग जहां पर कोई छुट्टी नहीं होती, सबसे कम छुट्टियां बैंकिंग में होती है. टीचर्स के लिए आंसर नहीं दूंगा क्योंकि टीचर्स बहुत एंजॉय करते हैं. तो द थिंग इज बैंकिंग में जरूर कहूंगा कि रेगुलरिटी इन वर्किंग. अब इस बात को पॉजिटिव हो ना, आप वहां पर नेगेटिव सिक्योरिटी क्यों शो करते हो, सर छुट्टी नहीं होती सर इस जॉब में, सर फिर भी कर रहा हूं सर क्योंकि और कोई जॉब नहीं मिली. तो आप ऐसा आंसर मत देना, आपको जो आंसर देना है वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफेशनल देना है. सर आई वॉन्ट टू गो विथ दिस जॉब बिकॉज रेगुलरिटी इन वर्किंग एनवायरमेंट मेक्स अस टू रिमेन फ्री फ्रॉम रस्टिंग. रस्टिंग होता है बच्चों जंग लगना, तो रेगुलरिटी रहेगी किसी काम में तो बताइए आपको जंग लगेगा क्या? राइट. अगर हम अपनी एजुकेशन को रेगुलर रखें तो हमें जंग लग सकता है क्या? और मुझे लग सकता है अगर मैं रेगुलर पढ़ाऊं तो नहीं लगेगा. हाँ अगर आप दो दिन का गैप कर दें, एक हफ्ते का गैप कर दें, तो कुछ माइंड सेट हो जाता है. मगर आप डेली पढ़ा रहे हो, डेली एजुकेशन कर दे रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो द सेम केस हियर, मोर इंपॉर्टेंट यू कैन स्टेट इवन, सर बैंक प्रोवाइडर्स वेरियस फैसिलिटीज विच आर क्वाइट नेसेसरी फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी. सर हमें बहुत सी मॉनेटरी फैसिलिटीज भी बैंक देता है, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी मेरे लिए जरूरी है. अगर ऐसी बातें आप इंटरव्यू के दौरान कर लेते हैं तो वो आपसे बहुत बहुत इंप्रेस कर देते. कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यू सेज यू अ वेरी गुड क्वेश्चन, ही सेज यू व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू, तुम में ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें सेलेक्ट करूं, ऐसी क्या बात है? तो जब कभी वो आपको ऐसा बोले मैं तुम्हें क्यों सेलेक्ट करूं, सबसे पहले तो हर व्यक्ति यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी बढ़ाई करेगा. मानते हो मैं आपको क्यों लूं? एक लाइन बोल दो सर. बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट. देखो इन्होंने क्या बोला, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट. मैं इनसे पूछूंगा ना, ये कहेंगे आई एम गुड, आप कहोगे बेटर, वो कहेगा बेस्ट, और वो जो इधर होगा वो कहेगा सर इन सबसे ज्यादा डगल करो. तो द थिंग इज हम हर कोई क्या करेगा, अपना अपग्रेड करेगा, अपनी बढ़ाई करेगा. एग्री करते हो? आप बढ़ाई मत करो, आप डिफरेंट हो जाओ दुनिया से. कैसे हो गए स्टूडेंट्स? वन वे इज देयर. वो वे क्या है? वो वे है कि जब कभी आपसे कोई पूछे कि मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं, आप उसे पहले तो उसी की बात में ना धन्यवाद दो. कैसे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. मैडम सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे ये अवसर मिला. अब कभी कभी वो आपको बीच में कोरेट कर देगा, आपको कह कर आपको रोकेगा और आपको कहेगा यार हमने आपको लिया ही नहीं है अभी, किस बात का धन्यवाद दे रहे हो आप. 99% ऐसा कभी नहीं हुआ है, मगर वो भी तो सकता है. उस समय आप बोलना सर आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू रिस्पेक्टेड पीपल, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, मुझे आप जैसे रिस्पेक्टेड लोगों के समक्ष बैठने का मौका मिला है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. तो बताओ वो खुश होगा कि नहीं? नहीं होगा. और यू कैन स्टेट वन थिंग, सर अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं यू आर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माई ड्रीम्स, सर मुझे मेरे सपनों को साकार होने को अवसर दे दे, तो ही विल डेफिनेटली फील गुड. हाँ उसके बाद बढ़ाई जरूर करो यार, ऐसा नहीं आप बढ़ाई ना करो, अपने बारे में बहुत अच्छा करो. आई एम रिटन माई डेडिकेटेड पर्सन सर स्पेशली टुवर्ड्स माई वर्क, मैं अपने कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय और समर्पित व्यक्ति हूँ, खास करके अपने कार्य के प्रति. एंड आई एश्योर यू सर दैट इफ यू सेलेक्ट मी आई जस्टिफाई सिलेक्शन बाय वर्किंग सिंसियरली एंड ऑनेस्टली. सर अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो मैं आपके सिलेक्शन की कसौटी पे खरा उतरूंगा ऑनेस्टली और सिंसियरली कार्य करके. बहुत इंप्रेस होगा. हाँ एक पंचलाइन जरूर दिया करो आंसर्स के अंदर, जब कभी आप आंसर दो एक पंचलाइन दिया करो लास्ट में, उससे ज्यादा इंप्रेशन पड़ता है. जैसे सर या मैडम आई रियली नीड वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ्स. मैडम वास्तव में मुझे एक चांस चाहिए मैडम कि मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को शो कर सकूं, तो वो बहुत ही खुश होगा. वो कहेगा वाह यार हर किसी ने अपनी बढ़ाई बढ़ाई करी है, तुमने आपने क्या
कि इंट्रो अलग रखा, कंक्लूड अलग रखा, अपनी बॉडी के अंदर थोड़ी सी अपनी बढ़ाई करी, बाकी आपने जस्टिफाइड आंसर बनाया। मेनी टाइम्स ही सेज यू, कमल आप इंटरव्यू के लिए आए हो, बैंक आप एसओ की तैयारी कर रहे हो हमसे इंटरव्यू की, हमारे पास बहुत कमल आए हुए हैं यहाँ पर, आप जैसे ही है, आप जितनी एजुकेशन है और आपसे ज्यादा भी है, हम सिर्फ आपको क्यों लें? कभी कभी वो आपसे ऐसी बात करे, इफ यू कंपेयर, तो कभी भी थैंक्स से शुरुआत मत करें, क्योंकि वो कुछ और सुनना चाहता है आपसे। मैडम से कहेगा, मैडम आप इंटरव्यू के लिए आए हैं, हमारे पास 10 टीचर हो रहे हैं और आप जितनी क्वालिफाइड है कुछ तो आपसे भी ज्यादा है, मैं आपको क्यों सिलेक्ट करूं मैडम? तो वो इस आंसर के अंदर आपको थोड़ा सा विटफुल आंसर देना चाहिए। आपको कहना चाहिए, सर यद्यपि इस समय मैडम या सर मैं अपने आप को उनसे तो कंपेयर नहीं कर सकती या सकता जो कि मेरी तरह क्यों में खड़े हैं, पर मैं अपने जर्नी बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि मैं एक ये पर्सनैलिटी हूं। इंग्लिश में बोल रहे हैं, यू कैन से सर ऑल्दो एट प्रेजेंट आई कांट जज अदर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हु आर स्टैंडिंग इन अ क्यू लाइक मी, जो कि मेरी तरह कतार में खड़े, बट आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में जरूर बताऊंगा कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, पंक्चुअल हूं, ऑनेस्ट, जो मर्जी बताओ, मगर आपकी शुरुआत कुछ कुछ ऐसे होती है। एग्री करते हो स्टूडेंट्स? यस सर। मेनी टाइम्स इंटरव्यू वुड आस्क यू कि सर आप कितने दिन हमारे यहाँ रहोगे, मैडम आप स्कूल में लग तो देखो हमारे यहाँ, आप कितने दिन रहोगे हमारे साथ? तो इस क्वेश्चन का कोई जवाब है? जवाब नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आपसे पूछ रहा है उसके पास भी आंसर नहीं है। वो बड़ा नौकर है, आप छोटे नौकर बनने जा रहे हो, इतना ही फर्क है ना, तो वो मालिक है ना आप मालिक बनने जा रहे हो, मालिक कोई और ही है, ये तो क्या है आपसे बड़ा मैनेजर है, आप छोटे मैनेजर, इतनी बात हो रही। तो ये बात आप उसको तो नहीं कह सकते कि सर आपका पता है क्या आप कितने दिन रहोगे, आप उसको नहीं पूछ सकते, राइट? पर आपको आंसर तो देना है। अब ये बड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, अब कमल की तो मैरिज नहीं हुई, तो सुभाष की मैरिज हुई भी है और सुभाष की लास्ट लेडी मैरिज हुई थी, तो सुभाष से ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि सुभाष से पूछ लिया, सुभाष आजकल वाइफ आपको पीट रही है या पीटना छोड़ दिया, हाँ या ना में जवाब दो, तो सुभाष कहेगा हाँ, इसका मतलब क्या है कि छोड़ दिया मगर पहले इसे बहुत मार खा रही है। सुभाष कहता है ना, इसका मतलब आज भी मार खा रहा है। तो इस बात का कोई आंसर है ही नहीं कि आप हमारे यहां कितने दिन रहोगे, क्योंकि अगर आप सच बता देते हो, इफ यू सेड सर मैं आपके है ना 6-1 महीने रहूंगा, फिर कोई ढंगी नौकरी देखूंगा और काम पे लगूंगा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप कहते हो सारी जिंदगी सर आपको की सेवा करनी है, तो भी आप झूठ ही बोल रहे हैं, तो इस बात का आंसर तो है ही नहीं। तो आपके पास फिर से एक डिप्लोमेटिक आंसर होगा, यू शुड स्टेट सर एज यू नो, तो क्या होगा एक आधे आंसर के अंदर एज यू नो जरूर बोल, सब में बहुत बोलने लग जाना इंट्रोडक्शन में, सर एज यू नो मेरा नाम ये है, राइट? मगर एक आधे आंसर के अंदर आप बोल सकते हैं, सर जैसा कि आप जानते हैं जीवन में दो तरीके के सेटिस्फेक्शन, एक है जॉब सेटिस्फेक्शन और एक है मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। सर इन लाइफ एज यू नो वेरी वेल देर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन, वन इज जॉब, ऐसे मत कर रहा हूं उसके सामने बस इसे बता नहीं मिलता है, वन इज जॉब सेटिस्फेक्शन अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन क्या होता है बच्चों? जॉब सेटिस्फेक्शन होता है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप उसमें संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लग रहा है। और मॉनेटरी क्या होता है? पैसे संबंधी, कि वो एक जरूरी बुराई है तो वो भी चलती रहनी चाहिए साथ। सर ये दोनों सेटिस्फेक्शन जब तक पैरेलल चल रहे हैं तो मेरे को क्या जरूरी है सर चेंज करने का? तो आपने सब कुछ कह दिया उस बात के। सर एज यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, वन इज जॉब अनदर इज मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन व्हिच इज अ नेसेसरी इविल ऑफ लाइफ। सर व्हेन बोथ दीस सेटिस्फेक्शंस मूव्स पैरेलल, जब ये दोनों सेटिस्फेक्शंस पैरेलल चलेंगे तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी चेंज, तो मुझे नहीं लगता सर एनी चेंज की जरूरत है। तो कहेगा हाँ यार, उसके बाद वही पंच लाइन था वो एक, और हर पंच लाइन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि दूसरा आदमी ना पिघल जाए, उसका हार्ट अटैक हो जाए, वाह यार क्या बात कह गया बंदा, दिल बच गया, ऐसी कुछ बात होनी चाहिए। मैडम आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ, मैडम मैं अपनी लाइफ में रुड़कने वाला पत्थर नहीं बनना चाहता। तो आप बताइए जब आप इस तरीके का आंसर दोगे या ये लाइन कहोगे, क्या वो इंप्रेस नहीं होगा? यू विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस, ये क्या बोल रहा है पर्सन, ये बोल रहा है कि मैं अपनी लाइफ में रुड़कने वाला पत्थर नहीं बनना चाहता, आज आपको छोड़ दूं, कल उनको छोड़ दूं, कल उनको छोड़ दूं, इधर नौकरी कर लूं, उधर कर लूं, नो आई वांट टू बी ए बेटर जॉब बेटर पर्सन, और ये मुझे जस्टिफाइड है। जब आप इस तरीके का आंसर दोगे ही विल डेफिनेटली गेट इंप्रेस्ड। मेनी टाइम्स इंटरव्यूअर आस्क यू योर सैलरी, बच्चों से क्या पूछ लेते हैं, कितनी तनख्वाह चाहिए, आप हमारे स्कूल में आ रहे हैं मैडम आप कितनी तनख्वाह लोगे मैडम? अब मैडम के पास जवाब नहीं है, मैडम भाई क्या बोलूं, ज्यादा बोल दिया,
तो ये कहेंगे यार हम नहीं दे सकते, ये मैडम चली जाएगी, और कम बोल दिया तो इनकी इंप्रेशन कर क्या बोले क्या बोले, राइट हैपेंस। तो सैलरी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जस्टिफाइड आंसर अगर हम दें तो हम ये कहेंगे कि एक एक्सपीरियंस पर्सन को सैलरी का आंसर अलग देना चाहिए और एक फ्रेशर को अलग देना चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर है तो आपका आंसर अलग होगा, और अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपका आंसर अलग होगा। जब आप फ्रेशर हो, क्योंकि यहां पर बहुत से बच्चे फ्रेशर है, तो सबसे पहले मैं फ्रेशर की बात करूंगा। अगर हम फ्रेशर है तो हम बात करेंगे कि मैडम सपोज मैडम आप मुझसे पूछे हाउ मच सैलरी डू यू वांट, मैडम सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, ओनली जरूर लगा देना वरना पता क्या करेगा, एक कर ले फिर से काम छह महीने बाद दे दूंगा पेमेंट जो देने होंगे 1000-2000 रुपया। तो ओनली कहने का यही मतलब है कि जब वो तुम्हें टोके या रोके ना तो हल्का सा स्माइल करते हुए कहता मैडम मैंने ओनली कहा था जरूरत तो है मगर सिर्फ जरूरत मतलब उसके साथ। सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, फिर उसको इंप्रेस करो। हाउएवर आई एम श्योर दैट इफ यू मेक मी एन ऑफर इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। मैडम सिर्फ सैलरी मेरे लिए जरूरी नहीं है, जॉब सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी मुझे इंपॉर्टेंट है, और मुझे श्योर है मैडम जो भी आप मुझे ऑफर करोगे वो मेरी क्वालिफिकेशंस और आपकी करंट सैलरी स्ट्रक्चर के अनुरूप ही होगा, तो वो उसे अच्छा लगेगा। ये जवाब फिगर्स में नहीं बोलते। हाँ जब आप एक्सपीरियंस हो तो आपके पास एक जस्टिफाइड लाइन होगी, शुरुआत आप कर सकते हो उसी से, मगर हाउएवर लाइन थोड़ी सी डिफरेंट कर। सर अ जॉब चेंज डज इंक्लूड अ रिस्क देयरफॉर डिजर्व्स अ सुटेबल इंक्रीज। एक जॉब चेंज के अंदर थोड़ा सा रिस्क रहता है सर, तो डेफिनेटली कुछ इंक्रीज तो हो गई, फिर आ जाओ आप नेगोशिएशन पे आ सकते हो। मगर सीधा अगर आपको बोले सैलरी मैडम 10 लूंगा तो कितना बुरा लगता है ना, अगली कहीं कड़ा हो राइट। तो यू कांट से सच थिंग्स ड्यूरिंग एन इंटरव्यू, राइट स्टूडेंट्स। फिर अलग अलग जॉब्स का अलग अलग महत्व है। अब हम चलते हैं कि हम जब जवाब दे रहे हैं उस दौरान हमारी पोस्चरिंग क्या होगी, क्योंकि अब हम फाइट के अंदर आ गए हैं, अभी मजबूरी चक्करी में आ गए हो राइट मैडम, अब आप इस चक्करी से बाहर नहीं जा सकते, मतलब इस सीट को आप छोड़ के नहीं जा सकते राइट। आप तभी जा सकते हो जब सब कुछ आपको आ जाए, तो आपके साथ खड़े हो दोनों जने, यहां आइए यूं खड़े हो जाओ उस चेयर के पास, ये चेयर आपकी है लेडीज, आपको दिख रहा है सब कुछ श्योर है राइट। नहीं नहीं आप उधर जाओ अपनी चेयर के पास राइट मैडम, आप अपनी चेयर के पास जाओ, हाँ हाँ बस बस यही। अब आप ये अस्यूम करोगे कि इंटरव्यूअर यहां बैठा है और आप लोग यहां आ रहे हो, चेयर के पास आ चुके हो। मैं भी ये अस्यूम करूंगा कि इंटरव्यूअर मेरे सामने बैठा है, मैं भी चेयर के पास आ चुका हूं। सबसे पहले मैडम आप बैठिए, आप मान लीजिए मैं यहां बैठा हूं, मैं बैठ जाता हूं और आपको यहां बैठना है, आप मुझे विश करोगे और बैठ जाओगे, प्लीज विश कर दो, ऐसा अस्यूम करो ना इंटरव्यू देने। गुड आफ्टरनून मैडम, बैठने के तो बोला ही मैडम आप पहले बैठेंगे। तो इंटरव्यूअर का गोल्डन रूल एक ही है मैडम, वो ये कि आप जब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो आपको परमिशन ना दे। अक्सर हम ऐसे ही करते हैं डर के मारे, हम ऐसे जाते हैं सर गुड मॉर्निंग सर, सर देखना जरा बैठ जाते हैं राइट। तो ऐसा कभी मत करना, वो कभी आपसे इंप्रेस नहीं होगा, आपका फर्ज है आप पहले खड़े हो, यू खड़े हो विश करो बढ़िया सा। विश कैसे करना है, इधर देखो तीन जेंट्स एक लेडीज, गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम, क्या बोलोगे गुड मॉर्निंग मैम। दो जेंट्स, सिर्फ दो जेंट्स है गुड मॉर्निंग सर, बस एक जेंट्स एक लेडीज गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम, मैडम सर कोई बात नहीं आगे पीछे बोल दो, मगर दोनों को बाइफरकेट कर, दो लेडीज है दो सर है, तो देखो गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मैम और कुछ मत कहना। लोग अक्सर क्या करते हैं, दो गलतियां करते हैं, पहली गलती वो करते हैं वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कभी मत बोलो ऑल ऑफ यू वर्ड कभी यूज नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप उनसे छोटे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है, कुछ लोग अलग अलग सबको करते हैं गुड मॉर्निंग 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 मैम मॉर्निंग, तो वो अच्छा इंप्रेशन बना। तो आपका फर्ज क्या है, आप उन्हें विश जरूर करो बट उन्हें प्रॉपर सेंस में विश करो, मैं कहता हूं डेफिनेटली इंप्रेशन विल कम। तो मैडम आप दोनों जने मुझे विश करो, कम ऑन पहले मैडम आप करिए, गुड आफ्टरनून मैम आप भी करो, गुड आफ्टरनून मैडम प्लीज टेक योर सीट प्लीज, वेरी गुड। अब मैडम आप बैठ गए ना, अब मैं आप लोगों को बैठना सिखाता हूं, ध्यान से देखना मुझे। देखो स्टूडेंट्स कभी भी इस चेयर पे आपको बैठना हो, आप हमेशा इस चेयर को पहले यहां से उठाओ, हमेशा आदत डालो, हमेशा इस चेयर को यहां से पकड़ोगे, हमेशा इस चेयर को हल्का सा टिल्ट करोगे, हल्का सा
बहुत भारी है, तो ऐसे नहीं कि सर आना जरा, सबने कहा था जरा पीछे देख ले, ऐसे मत करना, बस आपका काम है हल्का सा टिल्ट करना। तो आपने हल्का सा ऐसे हाथ रख लिया, बहुत भारी है, बस कोई बात नहीं, सोफा हो कल को तुम लगे उठाने के लिए। तो आपने सिर्फ ऐसा किया, राइट। अब आप बैठने पर ऐसे करना, अब छोड़ देना, क्योंकि आपने सिर्फ इसको स्ट्रेटन करने के लिए, ऐसे करने के लिए स्ट्रेटन करने नहीं करना। अब आप बैठे, तो बैठते समय ऐसे आओगे और अपना जो पेल्विक पोर्शन है इसको जितना उसके पीछे ले लो। क्यों? क्योंकि अब जब आप बैठ गए एक बार तो आप ऐसे बैठोगे, बैठ गए आप, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप ऐसे बैठ तो जाओगे, मगर थोड़ी देर बाद, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद क्या होगा, आपकी जो बॉडी है वो कपड़े तो बहुत ही बुरे लगोगे। तो आपका फर्ज है आप जितना हो सके पीछे बैठे। अब आप जितना मर्जी पीछे चले जाओ, आप सीधे होगे, आप गिरोगे। अंडरस्टूड स्टूडेंट? सो इफ यू लर्न दिस स्टेप यू कैन डू अ मिरेकल। तो वन थिंग नोटिस इट नाइसली, दैट व्हेनेवर यू आर कमिंग ओवर हियर you should always keep your hand like this, keep it like this, and then come like this, pick up like this, or bend. Madam, करके दिखाओ, तुम भी करके दिखाओ. Come on, do fast. फिर हम आगे बढ़ते हैं. आइए, शाबाश. Very good. Very good. Very good. Madam, उस समय हाथ छोड़ देना और front में रख लेना अपने हाथ, right? हाँ, हाथ अगर आप बीच में रखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. और hands का portion यही रहेगा. Agree, students? Yes. अब जब आप बैठते हो तो उस दौरान ना कुछ वर्ड्स होने चाहिए। जैसे मान लो आप बैठने लगे तो आप कोई थैंक यू सर, थैंक यू मैडम कुछ बोला करो, जिसने भी बोला हो। अगर सर ने बोला तो सर बोलेगा, अगर मैडम ने बोला तो मैडम बोलेगी, किस थैंक यू सर, थैंक यू मैडम, उसके बाद आप बैठा करो, तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, इन बॉडी लैंग्वेज विच प्लेज अ वाइटल रोल, लुक अप हियर। आपको एक चीज डिस्कस करते हैं आपसे, एक केस स्टडी है, इधर ले लो ये कैमरा, एक केस स्टडी है ना, जिसके अंदर एक गर्ल है वो कोई इंटरव्यू देने गई है, थोड़ा नीचे, हाँ ये गर्ल है, दिख रही होगी आप लोगों को, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके मैडम प्लीज, ये गर्ल है इंटरव्यू देने गई है, राइट, वॉइस नहीं कर सकते स्टूडेंट अपने। द थिंग इज दिस गर्ल हैज गोन फॉर इंटरव्यू एंड शी नोज वेरी वेल इंग्लिश, she has done her interview well, but एक कमी जरूर थी, वो थी उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो हम नोटिस करते हैं कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे को नहीं दिख रहा, doesn't matter, he or she will definitely see, but the thing is उसके इंटरव्यू के दौरान उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो चेयर पे आ गई है, जब वो चेयर पे आई तो इंटरव्यूअर ने उससे क्वेश्चन पूछने शुरू किया, एंड while answering she has shown her body language as if that it is not right, see she is shaking her leg, which is quite bad impression. While answering again, she is keeping her finger like this, which is again a bad impression during an interview. So such things, if you avoid, you can place a better impression of your personality. Even during an interview, her posture was not accurate because she was not sitting in a definite manner, and now she is playing with her earrings, which is again not good way. So you should not at all play with your earrings. This I want to show you only with one reason, that what this girl has done during an interview, and her English was good, no doubt, but her body language was not as if that she gets selected. And 55% of our body language plays a vital role during interviews. 38% is tone, T-O-N-E, and 7% is our words. So words doesn't matter, but the way we present the thing, that matter a lot. So if you present in a good manner, you can do a miracle. One more thing, during an interview, we have learned so many things. These are the body language signals, that there are gestures, there are postures. So few body language signals I'll show you from here, don't worry. Which plays a vital role in our personality or in our interview. Many are related to interview, but few are related to overall life also. So that body language plays a vital role. Here are six. So in this seminar, we'll see only one. Later on, we'll see in our classes only. And I'll put a word for you. These are the body language signals for nervousness. So, कभी भी आप ऐसे करके नहीं बैठेंगे, फाइल को ऐसे करके नहीं रखेंगे, हमेशा फाइल को ऐसे करके रखेंगे। स्लम पोस्चर बोलते हैं इसको, जिसमें पांव खोल के बैठना, इट इज बैड। बिल्कुल चेयर की एज पे बैठना, इट इज अगेन रॉन्ग। टैपिंग फुट इज बैड हैबिट, रॉकिंग लेग्स, टैपिंग फुट आर क्वाइट बैड। कई लोग ड्रम करते रहते हैं फिंगर्स से टेबल वगैरह पे, तो ये भी बैड है। कई लोग फिडलिंग करते हैं, ज्वेलरी एंड ऑल दिस थिंग्स। कई लोग मुंह पे हाथ रख के बोलते हैं, विच इज बैड, यू शुड नॉट कीप योर हैंड ऑन माउथ
कई लोग चेयर को हिलाते रहते हैं, रेस्ट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोग स्क्रैच बहुत करते हैं, आई स्क्रैच करना, नो स्क्रैच कर लिया, कुछ कर लिया, एग्रेसिव, आक्रामक, ये भी वे नहीं होना चाहिए जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कि हम ऐसे करके हैंड फोल्ड किसी से बात कर रहे हैं, जिस क्वाइट डिफेंसिव, किसी की तरफ पॉइंट करना, किसी को फिस्ट देना, मुक्का दिखाना किसी को, बैड बैड बैड, ऑल दीस थिंग्स आर नॉट गुड। रूडनेस, कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे विच विल शो दैट वी आर अ रूड पर्सनैलिटी। देखो ये पर्सन को, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एट ऑल, जो आया हुआ है ये गुस्से में आ रहा है, ये भी बैड है। समर्पिंग, दूसरे पे हंसना, विस्परिंग, बैड। स्टैंडिंग टू क्लोज, किसी के पास ज्यादा खड़े क्लोज नहीं होना, उसे गैप दो, स्पेट दो। फाइल पहले से, किसी का जोर से दबा देना, ये भी बैड मैनर्स में आता है, हैंड्स अप, ध्यान रखो। कमिंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, यॉनिंग, उबासी लेना किसी के सामने बिना हाथ रखे, एक्सक्यूज मी प्लीज बोला करो, बार बार समय देखना, सब कुछ बैड है। कुछ नेगेटिव लीकेजेस है जो हमारी पर्सनैलिटी को फिर से डाउनफॉल करते हैं, कुछ ऐसे सिग्नल्स भी आते हैं, वो है ज्यादा ब्लिंक करना। अगर आप ऐसे कोई लोग ब्लिंक आई ज्यादा करते हो तो बैड है ये। प्लेइंग विद इयर रिंग्स, प्लेइंग विद वॉचेस, चेन्स आर बैड, यू शुड नॉट टच। स्मोकिंग इज टोटली बैड। ऐसे सिक्स है स्टूडेंट्स, पर हम लोग अपने सेमिनार के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि एक ही रहे, और फर्दर विल सी इन अवर लेटर क्लासेस, क्योंकि आज हमारे पास बहुत कुछ है सीखने के लिए। स्टूडेंट लुक बैक अगेन, वी आर हियर अगेन इन आवर सिटिंग पोजीशन, हमें बैठना आ गया है, राइट। अब सबसे पहले जरूरत है कि हमें बैठना तो आ गया है, मगर क्या हमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठना आ गया है? प्लीज प्लेस दिस फाइल ओवर हियर। हाँ जी, ये फाइल दे दो मुझे। देखो मैडम, प्लीज गेट अप, बैठो, आप थक गए होंगे, कोई और मैडम भाई आप आइए बस। अच्छा आप भी बच्चे, हाँ कोई और आई हो, किसको बुलाओ? नहीं नहीं इनको बुलाते ना, देख लो ना, आप आओ, हाँ आओ, शाबाश शाबाश, आप भी तो सीख जाएगी ना। नहीं नहीं, आ जाओ मैडम, आप आओ, हाँ यस यू शुड कम, आइए आओ मैडम, दो दिन आइए। आते पीते घर की लेडीज को बुलाया भाई मैंने, देखो प्लीज टेक योर सीट। हाँ अब ये ना मैडम, ये डॉक्यूमेंट ले जाओ, ओके, इनके हाथ में दे दो। मैडम आप एक बार खड़े हो जाइए, अभी आपको आता नहीं है मैडम, है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, तो किसी को भी नहीं आता यहाँ पर, तो अभी अगर आप गलत करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, राइट। मैडम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे तक आना है, वहां खड़े हो जाओ डॉक्यूमेंट्स लेकर, बताइए आप कैसे लेंगे, ले लीजिए अपने हाथ में, वेरी गुड मैडम। और कोई भी आप लोगे, और कोई भी, वेरी गुड, मुझे दो। देखो स्टूडेंट्स, जब आप डॉक्यूमेंट्स लेते हो, यू हैव टू वेज, योर वन वे इज दिस, इट इज बोथ फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल, दिस इज अ प्रोफेसर स्टाइल, बट दिस इज ओनली फॉर लेडीज। तो जो मैडम ने लिया वो लिया लेडीज वाला सिस्टम, मगर आपको बता दूं देयर आर टू वेज, लेडीज कैन कैरी लाइक दिस आल्सो, लेडीज कैन कैरी लाइक दिस आल्सो। मैडम आप इसको वापस ले लीजिए और अपनी सीट पे बैठ जाइए। पाठक को प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने एक और रूल सीख लिया कि फाइल हमेशा किस साइड में पकड़नी है, राइट, हमेशा फ्री होना चाहिए। अब पकड़ो, हाँ अब पाठक क्या करना है, मैं जो डॉक्यूमेंट्स मांगू तो आप ये डॉक्यूमेंट दिखाना, प्लीज शो मी डॉक्यूमेंट्स, वेरी गुड। अब मैंने दो लोगों से डॉक्यूमेंट मांगे, मैं आपको जस्टिफाइड करूंगा कि जब कभी आप डॉक्यूमेंट दिखाओ तो हमेशा ओपन करके दें। एग्जाम्पल, मैडम प्लीज आस्क मी फॉर डॉक्यूमेंट्स, श्योर मैडम, प्लीज मैडम, राइट। कभी भी आप ऐसे नहीं देंगे, ठीक है, ऐसा मत कर देना, खत्म हो जाएगा सारा इंटरव्यू, ठीक है। आपका फर्ज क्या है, जब आप ऐसे बैठे हो, इंटरव्यू आस्किंग यू प्लीज शो मी डॉक्यूमेंट, आपका फर्ज आप ऐसे खोलिए फाइल को, मैडम प्लीज ऐसे करें, और मैडम अगर दूर है तो आप खड़े हो और आगे जाओ आराम से, मैडम प्लीज, फिर उनके हाथ में दे दो, ओके स्टूडेंट। कमिंग टू द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग नेक्स्ट, दैट इज व्हाइल सिटिंग You have to answer so many things. और कुछ बातें आपको नहीं ही आती, नहीं ही सुनती। मान लीजिए आपको कुछ ना सुने, कोई बात ना सुनाई दे, तो आप क्या करोगे? मैडम पार्डन वर्ड यूज करोगे, मैं उसको और अच्छा जस्टिफाइड कर देता हूं। यू शुड से मे आई बैग योर पार्डन प्लीज, क्या वर्ड यूज करोगे? मे आई बैग योर पार्डन प्लीज।
जब मैं आपको जवाब दूं उस बात का, उस दौरान आप आंसर दोगे। मान लीजिए आपको आंसर नहीं आता तो मैं हेल्प करूं इंटरव्यू रूम में। मान लो मैंने हेल्प कर दी तो आपका फर्ज है मुझे थैंक्स देने का, आप मुझे थैंक्स देंगे। यू शुड से सर थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। क्या बोलोगे? अब हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं क्या ये अच्छा लगता है क्या। मैडम आप मुझसे पूछना कि सर व्हाट इज अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अ गुड टीचर, और मैं कहूंगा मैडम सॉरी मुझे नहीं पता, पहले मेरे को सुनाई नहीं देगा, तो देखना मैं क्या बोलता हूँ, फिर आप बोलना कि टीचर इज अ नोबल प्रोफेशन, इतना बोल देना, फिर मैं आपको ना थैंक्स दूंगा, तो थैंक्स सुनना ध्यान से। तो आप मुझसे पूछो मैडम कि एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होती है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टीचर। मैडम पार्डन प्लीज, या फिर मैं बोलूंगा मैडम मे आई बेग यू पार्डन प्लीज, क्या बोलूंगा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मगर आपका क्वेश्चन का ध्यान रखना, आप बाकी सीख रहे हो बट आप मेरे क्वेश्चन को नहीं देख रहे हो। मैडम मे आई बेग यू पार्डन प्लीज, ऐसे कभी भी इंटरव्यू में ऐसे होते हैं ना, पार्डन प्लीज यू आर फिनिश्ड, हाँ झुक के कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैडम पार्डन प्लीज, ऐसे आप ऐसे नहीं कह सकते पार्डन प्लीज, इट इज वेरी रॉन्ग, यू शुड नॉट। आपको क्या करना है, आगे पोस्टिंग करनी है, राइट। अब मैडम मेरे को उसका आंसर नहीं आता तो मैं बोलूंगा फिर आप देना इट्स अ नोबल प्रोफेशन। मैडम सॉरी आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या बोलना है, सॉरी आई डोंट नो। अब बोलिए मैम नोबल प्रोफेशन, ओके। तो मैं अब मेरे को ना आपको थैंक्स दे रहे हैं, आपने बोले इट इज नॉर्मल, आपने मेरे आंसर को दे दिया क्योंकि आप इंटरव्यूअर हो, आना तो मुझे चाहिए मगर मुझे नहीं आ रहा, पर आपने दे दिया, तो उस समय भी आपका फर्ज है कि आप उन्हें जवाब दो, राइट। मैडम शुरू करें फिर से प्लीज, आप उसे क्वेश्चन पूछो मुझे सुनाई देगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गुड टीचर, सॉरी मैडम पार्डन प्लीज मैडम, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड टीचर। अब मान लीजिए मुझे सुन गया मगर मैं श्योर नहीं हूं कि यही है, तो क्या करोगे, तो आप एश्योर कर सकते हो मैडम डू यू वॉन्ट टू नो द क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, ओके थैंक यू मैम। मैडम आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, सॉरी। अब आप बोलिए इट इज अ नोबल प्रोफेशन, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज, बोलो थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माय नॉलेज। जब आप सामने वाले व्यक्ति को ऐसी बात बोलोगे वो बहुत बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपना टाइम दिया आपको, उसको क्या मतलब है यार, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा वो नहीं आना भेजेगा आपको काय को बता रहेगा। मगर जब आप उसको बोलोगे थैंक यू सर आपने मेरे नॉलेज को अपडेट किया, इंटरव्यू के दौरान किसको मतलब है पूछने का, कौन बताएगा आपको, काय को बताएगा। मगर कुछ इंटरव्यू बता देते हैं जवाब कि भाई इसका जवाब ये होता है, आपको नहीं आता कोई बात नहीं, इसका जवाब ये होता है, नंबर तो नहीं देगा आपको मगर आपको जवाब तो दे सकता है। उस समय आपका फर्ज है थैंक यू सर, थैंक यू फॉर अपडेटिंग माई नॉलेज, आप ऐसा बोलेंगे, राइट। अब स्टूडेंट्स हमारा पार्ट आता है कि हमने युद्ध कर लिया और कौरवों को हरा दिया और हमारा जो अभिमन्यु है वो बच गया, अब उसे चक्र से बाहर भी आ गया, राइट। अंदर आना आ गया है, बहना आ गया है, अब हमें क्या सीखना है, बाहर जाना, राइट। हमें वापस कैसे जाना है, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। व्हेनेवर यू आर कमिंग फॉर इंटरव्यू, आप जाने लग रहे हो तो आपका वे क्या हो, आपका वे सिर्फ एक है स्टूडेंट्स, जब आप जाने लगो सबसे पहले अपने माहौल को देखो, अपनी जगह को देखो कि आप कहां स्टैंड कर, आप यहां हो, हल्के से अपने पांव को पीछे हल्का सा, उससे क्या आपको खड़े होने में बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि जब आप पांव को आगे रखेंगे तो आप कभी खड़े नहीं हो सकते, आप नोटिस करो आप ऐसे खड़े नहीं हो सकते कभी, तो आपको हमेशा क्या करना है पांव को थोड़ा सा पीछे हल्का सा, आवाज निकलनी हल्का सा नहीं, उसके बाद में आपको इन पर हाथ रखना है, नहीं है तो भी चलेगा अगर है तो भी सही, ठीक है। आपको हैंड्स लेना है, आराम से इस पे खड़े होना है, आराम से साइड पे आना है, फिर से इस चेयर को यहीं से आना, फिर से इस चेयर को यहीं से पकड़ो, सेट करो उसकी, क्योंकि बहुत से लोग इंटरव्यू में ऐसे करके छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। अब वो देखो चेयर, वो देखो खड़े हुए हैं आप और आपने क्या किया, आप यूं जा रहे हैं, आप खड़े हो रहे हैं, आप ठीक है चले। अब वो चेयर बता रही है कि आपने क्या सैक्रामेंट्स आज तक अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से लिए है, वो सैक्रामेंट्स ही आपका सिलेक्शन करवाती है यानी संस्कार। तो वो सैक्रामेंट्स कैसे पैदा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जिस चेयर पे हम आ गए हैं इसको हमें रेस्पेक्ट भी तो देना पड़ेगा। अब हम जब खड़े हुए तो हम यहां पर आए और हमने फिर से इस चेयर को हाथ लगाया, इस चेयर को फिर से हाथ लगाओ और फिर से थोड़ा सा सेट करो। अब मान लीजिए आप दोनों मेरा इंटरव्यू ले रहे थे तो मैं खड़ा हुआ, मैंने अपनी चेयर को सेट किया और अब मुझे बोल रहे हैं थैंक यू मैम, थैंक यू, अब मैं जाऊंगा,
राइट, तो मुझे क्या बोल रहे हैं, थैंक यू मैम, राइट। हमने सब कुछ सीख लिया स्टूडेंट्स, राइट। क्या आप मुझे एक बात बता सकते हो, मैंने आपको अभी तक एक चीज सिखाई, बता सकते हैं कौन सी है वो? बॉडी लैंग्वेज। वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ टू एंटर द रूम, एंट्री कैसे करनी है? तो एंट्री के लिए मैं जस्टिफाइड ये रखूंगा कि हमारे किसी बॉयज मेंबर को इनवाइट किया, तो मैं कहूंगा शुभम को बुलाए हम, हैं आ जाओ शुभम, आ जाओ आप, आ जाओ लेडीज, आप लोग फ्री हो, और इस तरफ मैं पाठक को बिठाऊंगा। पाठक तुम इधर आ जाओ चेयर लेकर दिस साइड पे। वेरी गुड, वेरी गुड, कम फास्ट पाठक, हां हां कम दिस साइड, वेरी गुड, प्लीज टेक योर सीट, वेरी गुड। आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो? यस, हां बैठ जाओ। आप क्या कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, बाहर से आए हो? आओ बाहर से, हां बाहर से आने, बाहर से प्लीज, वेरी गुड, वेरी गुड, प्लीज लुक अप हियर, हां वेरी गुड। नहीं कई लोग फाइल लेते हैं मैडम, प्लीज कम इन सर, मैडम हर डॉक्यूमेंट नहीं लेते, और कम बात प्लीज ले। अब शुभम का थोड़ा सा अकारात्मक वे नहीं मिला आपको? अच्छा था, मगर एक गलती करी शुभम, थोड़ा स्पीड स्पीड था, राइट। आप देखो स्टूडेंट, जब कभी आप एंटर करो थोड़ा सा क्या अंदर है माहौल देख के, तो देखो शुभम आओ मेरे पास, करवाता हूँ तुमसे मैं दोबारा, करवाता हूँ, ये देखो, प्लीज लुक अप हियर। Whenever you are entering students, you should keep your file like this on left side, right? Please don't talk, ladies. Look up here. आपने फाइल रखी, आपका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, नॉकिंग। आपको नॉक करना है डोर को। नॉक का भी एक प्रॉपर वे है, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कहीं कुंडी घड़का दो आप, नेवर एवर। वेरी गुड, मैडम नोज, दैट्स नाइस। लुक अप हियर, अगर ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा मेन गेट है, या ये वाला गेट है, तो हमें इस डोर पे नॉक करना है, तो नॉक शुड बी एज पर योर नोज लेवल। आपके नोज के लेवल पे आप नॉक करोगे। आपका नॉकिंग का भी हमेशा ये रहना चाहिए, कितनी बार होना चाहिए, टू टाइम्स। विमला मैडम ऑलरेडी टोल्ड अस दैट सर इट शुड बी टू टाइम्स, अगर थ्री टाइम्स हो गया तो ये इलिटरेट व्यक्ति की निशानी है, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप हमेशा क्या करोगे, टू टाइम्स, कट कट। कर लिया आपने, अब आप परमिशन लोगे, हल्का सा डोर खोलोगे, डोर खोलते हुए कभी भी इंटरव्यूअर को बैक साइड नहीं दिखाओगे, ऐसे करके नहीं करो, जैसे आप मंदिर जाते हो ना भगवान जी, ऐसे ऐसे जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, ठीक है, ऐसे जाते हो ना, कैसे जाते हो, हाँ भगवान जी आ गया मैं, ठीक है आ गया मैं, बोलता हूँ ऐसे नहीं आओगे आप, राइट। तो इंटरव्यू में आप ध्यान रखो, व्हेनेवर यू आर एंटरिंग इन इंटरव्यू चैम्बर यू शुड कीप योर हैंड लाइक दिस, ओपन अप नाइसली, लेट अस सी हियर। दरवाजे को बंद करना है और फिर आपको अपने स्टेप्स को चलाना है। जो अपने स्टेप्स को चलाएंगे तो आप यहां तक पहुंचे, राइट, और यहां पहुंच के आप रुक जाओ, आप आए, आप यहां तक आए, अब आप उसको विश करो, मॉर्निंग सर, राइट, उसके चेहरे पे स्माइल लाओ अपनी स्माइल से, गुड मॉर्निंग सर, वो आपको कहेंगे प्लीज टेक योर सीट, राइट, उसके बाद ही बैठो, ऐसे नहीं गुड मॉर्निंग सर, राइट। अब आपको क्या करना है, यहां पर आए, गुड मॉर्निंग सर, वो कहते हैं प्लीज टेक योर सीट, तब आराम से इसको रखो या डायरेक्ट भी बैठ सकते हो, ओके, इधर हो तो ऑलरेडी आप फ्री हो, वरना इस आपके लेकर आप बैठे, राइट। एनी पर्सन हु वांट टू डू दिस, कोई पर्सन, शुभम तो कर लिया ना, कोई और पर्सन, कोई और पर्सन, आप करोगे, वेरी गुड, शाबाश, स्लो करना बस, शुभम का सही था, स्पीड तेज थी बस, इतनी गलती, तो इफ यू डू इट नाइसली यू कैन डू अ मिरेकल, करो, हाँ हाँ क्यों, आर यू सीरियस, वेलकम, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, इसमें बताओ सर, इसमें बताओ एक बात, लाओ तो नहीं, नहीं सही है, बैठने से इधर दो, जैसे आप इधर आए ना, इधर खड़े हो, आपके हाथ में ये फाइल है अभी, क्योंकि आपने पकड़ना है ना, सब कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आपको बैठना है ना, और मैंने आपको ये सिखाया है, तो आप इस हाथ में अपनी फाइल ले, आप आराम से लो इस चेयर को पीछे, बेस्ट होता है, बेस्ट, राइट, विल यू डू इट स्टूडेंट्स, प्रॉपरली, प्रॉपर मैनर, राइट, कम बैक ऑल ऑफ यू, प्लीज कम ऑन योर सीट्स, स्टूडेंट्स, दिस पार्ट ऑफ इंटरव्यू व्हिच रियली आई वांट टू टीच यू is impressive and here body language plays a vital role.
questions. But the thing which is only your confidence. If you develop your confidence during your interviews, you can do a miracle. क्योंकि जो भी मैं आंसर्स लिखाता हूँ, जो भी मैं आंसर्स करवाता हूँ, कोई जरूरी नहीं इंटरव्यू वो ही आंसर्स आपसे पूछे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मगर अगर आपको वे आ गया प्रेजेंट करने का, तो वो आपको लाइफ का कोई भी क्वेश्चन दे दे, ही कैन आस्क यू एनीथिंग, यू कैन डू अ मिरेकल इन योर लाइफ। विल इट बी पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ यू? चलो, माय ब्लेसिंग्स आर विद यू, यू ऑल विल गेट सेलेक्टेड इन योर लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सर।